हाय गाइस, दिस इज प्रशांत मिस्त्री, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत बायो मैकेनिक। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेड रोइंग के बारे में। सीटेड रोइंग एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपके लैट मसल्स जो होते हैं उसे काफ़ी एनहांस करता है और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए भी बहुत जन सीटेड रोइंग यूज़ करते हैं। इवन बॉडी बिल्डर्स भी यूज़ करते हैं हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल्स बड़ा करने के लिए। तो मैं कुछ आज ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो मैंने काफ़ी जगह देखी है, सीटेड रोइंग करते समय बहुत सारे लोग एक्सटेंड करते हैं बैक और पुल करते हैं पूरी तरह, पूरा स्कैपुला को भी रिट्रैक्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेसिकली सीटेड रो किया जाता है। तो चिराग, आप सीटेड रो करके दिखाओ, एक्सटेंड करके दिखाओ बैक। तो बहुत जन एक्सटेंड ऐसे करते हैं, पूरा स्पाइन को भी रिट्रैक्ट, स्पाइन को भी एक्सटेंड करते हैं, स्कैपुला भी रिट्रैक्ट करते हैं। और आप देखोगे एल्बो को भी इतना पीछे लिया हुआ है जिसकी ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, जब भी आप स्पाइन को एक्सटेंड करते हो काफ़ी, तो क्या होता है, जो फोर्स लैट्स क्रिएट करने वाला होता है वो फोर्स आपके अपर बैक क्रिएट करती है और लैट्स की जो एफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, वो उतना फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अभी आपको मैं नॉर्मल इसमें बताता हूँ, आप स्पाइन को न्यूट्रल रखो और पुल करो। और जब भी आप पुल करके यहाँ तक ही आ जाते हो तो आप देखोगे आपके जो लैट्स है वो काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि लैट्स तभी ही इन्वॉल्व हो जाएंगे जब स्पाइन, जब आपका स्टेबल रहेगा। तो स्पाइन अगर स्टेबल रहेगा तो आपका जो लैट मसल है वो भी काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा आता है। सेकेंड थिंग, जब भी आप एल्बो को अगर पीछे लेते हो तो पीछे लेने से क्या होता है, जो इसका फोर्स प्रोड्यूस करने का जो एक कॉन्ट्रैक्शन फेज जो होता है वो कम हो जाता है। इसको हम जनरली बोलते हैं एक्टिव इनसफिशेंसी। जब भी कोई भी मसल काफ़ी, उसकी लेंथ जब काफ़ी छोटी हो जाती है तो वो फोर्स पूरी तरह प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। और जब भी आप आर्म्स को स्ट्रेट करते हो और जब यहाँ से पुल करते हो आप, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन जो होता है, स्ट्रेट करो, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन होता है यहाँ से आप मैक्सिमम प्रोड्यूस करते हो फोर्स, और जैसे जैसे आप पास जाते हो तो उसका फोर्स प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसको बोलते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि मसल्स कब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है और कब कम होता है। अब रखिए, आगे छोड़िए। सेकेंड होता है ग्रिप। ग्रिप भी काफ़ी ज़रूरी है, लोग जो है वो प्रोनेटेड ग्रिप भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जब भी आप लैट सीटेड रोइंग करते हो तो न्यूट्रल ग्रिप जो होगा वो काफ़ी फायदेमंद होगा। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप न्यूट्रल ये करते हो, पुल करो, तो आपका जो स्पाइन स्टेबल होने की वजह से और ग्रिप न्यूट्रल होने की वजह से और आर्म का जो पाथवे है वो सीधा लैट को कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन वही अगर आप प्रोनेटेड ग्रिप करोगे, ऐसे सीटेड रोइंग करने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो अपर बैक है, छोड़ दो इसे, आपकी जो अपर बैक है, जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें काफ़ी मसल्स होते हैं, जैसे रियल डेल्ट हुआ, फिर आपके रोम्बॉइड्स हो गए, ये सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने स्टार्ट करते हैं और लैट्स जो होता है वो ज़्यादा काम नहीं करता है। सो गाइज, ये छोटे छोटे क्यूज होते हैं जो हम सीटेड रोइंग करते समय हम देखते हैं। अगर ये सारे क्यूज आप अगर अपने एक्सरसाइज में ले आओगे तो आप अपने मसल्स को काफ़ी एनहांस कर पाओगे। सो गाइज, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।